नमस्कार दोस्तों। सो टुडे दिस इज़ द वीडियो फॉर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग वर्क वीज़ा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमको डॉक्यूमेंट चाहिए वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए व्हेन यू आर नॉट इन माल्टा, जब आप माल्टा में नहीं हैं। ये जो PDF फाइल है जो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, सो यू कैन डाउनलोड दैट PDF फाइल फ्रॉम दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो चेकलिस्ट फॉर थर्ड कंट्री नेशनल अप्लाइंग फॉर सिंगल वर्क परमिट स्टिल अब्रॉड एप्लीकेशन। सिंगल वर्क परमिट मे बी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट व्हेन द लेटर इज स्टिल अब्रॉड। द एम्प्लॉयर नीड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन। आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको हायर कर रहा है, वो भी आपके बिहाफ में आपका वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। यहाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट है एक CEA फॉर्म, सी फॉर नॉन EU कैंडिडेट। वीज़ा फीस रहती है 280 यूरो 50 सेंट। आप चेक के भी थ्रू कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट है फुल कॉपी पासपोर्ट इंक्लूडिंग ब्लैंक पेजेस। आपको अपने पासपोर्ट का सारे पेजेस का फोटोकॉपी सबमिट करना पड़ेगा, तो आप अपने एम्प्लॉयर को भी स्कैन करके भेज सकते हैं, वो फोटोकॉपी करा सकता है। कवरिंग लेटर बाय द एम्प्लॉयर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल व्हाई दिस पोजीशन इज़ नेसेसरी। जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक लेटर लिखता है, उसमें मैंशन करता है कि वो आपको क्यों हायर कर रहा है, वो माल्टा में क्यों वो उस टाइप का बंदा नहीं सर्च कर पाया तो वो बाहर से हायर कर रहा है। तो वैसे शेफ़ है मान लो, तो हम बताते हैं कि हमको इंडियन शेफ़ चाहिए जो इंडियन कुजीन बना सकता हो, और भी जो वो अपने तरीके से एक कवरिंग लेटर बनाता है जिसमें वो बताता है कि हम क्यों हायर कर रहे हैं आपको। फोर्थ है एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सच एज कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस ऑफ रिलेवेंट कमर्शियल एक्टिविटी एंड साइट्स ऑफ वर्क शुड बी प्रोवाइडेड टू सब्सटेनिनेट द एप्लीकेशन। सो और जो उससे रिलेटेड है कि आपको वो क्यों हायर कर रहा है, मतलब यहाँ पर उसको वो उस टाइप का बंदा नहीं मिल पाया तो आपको क्यों हायर कर रहा है, तो इस तरीके से उसको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बताना पड़ेंगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन वाई एप्लीकेंट, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर लेटर रहेगा वो आपको साइन किया हुआ सबमिट करना पड़ेगा। पोजिशन डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट प्रोवाइडेड फिल्ड बाई द एम्प्लॉयर एंड साइन बाई द एप्लीकेंट। एक इन लोगों का पर्टिकुलर फॉर्मेट है पोजीशन डिस्क्रिप्शन का, जॉब प्लस एजेंसी है वो एक प्रोवाइड कराता है, तो उसके में आपको वो साइन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर भी साइन करेगा, आप भी साइन करेंगे। करिकुलम बिटे ऑफ द एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट प्रोवाइडेड साइन बाय द एप्लीकेंट। तो करिकुलम CV जो यूरोपास CV फॉर्मेट है उसके उस टाइप से आपको अपना CV बनाना रहता है और साइन करना रहता है। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ एफर्ट सच इज मेड बाय माल्टीज EESS कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डेटेड एविडेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग द जॉब विद द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन कंपलसरी एंड द वन ऑफ द बिलो एडवर्टाइजिंग मेथड। यहाँ पर जो ऐसे नॉन यूरोपियन कैंडिडेट को हायर ईजिली नहीं कर सकती, उनको बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर हमने ऐड निकाला और हमको यहाँ पर उतनी CV नहीं मिल पाए, उतने जो हमको चाहिए जिस टाइप का रिक्वायरमेंट हमको चाहिए बंदा वो हमको यहाँ नहीं मिल पाया। वी कैन नॉट फाइंड द सूटेबल कैंडिडेट हियर सो वी आर हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड माल्टा। सो उनको क्या प्रूफ देना रहता है, जॉब टाइटल मेन ड्यूटीज़, ये उनको ऐड निकलवाना रहता है। जॉब टाइटल मेन ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी सैलरी पैकेज और रेंज नेसेसरी स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग द जॉब थ्रू द प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी। इन दिस केस All of the above specification need to be specified. The private recruitment agency may use any of its normal recruitment method. जैसे कि वो private recruitment agency को भी दे सकता है कि आप ऐड निकलवाइए और हमको suitable बंदा दीजिए, तो वो भी प्रूफ शो कर सकता है। With respect to job advertised with the Employment and Training Corporation, the employer is requested to provide the individual feedback on the person's referred. And कुछ एग्जम्पशन लिस्ट भी है, जैसे कि कुछ जॉब एग्जम्पशन लिस्ट भी मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगा। कुछ जॉब जैसे अकाउंट, IT,
गैम्बलिंग, इस टाइप के जो जॉब हैं उसके लिए एम्प्लॉयर को उतना एड वैड निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एग्जम्पशन लिस्ट भी मैं आपको ईमेल अपनी वीडियो लिंक में दे दूँगा। 9th रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट रिलेटिंग टू द जॉब द नीड टू बी प्रोवाइडेड टुगेदर विद द रिकॉग्निशन फ्रॉम द माल्टा क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन एंड द इंफॉर्मेशन सेंटर MQRIC विथ रिकॉग्निशन हैज़ नॉट बीन ऑब्टेंड अ कॉपी ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम MQRIC नीड्स टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। एक ये माल्टा रिकॉग्निशन एजेंसी है जो कि आपकी जो आपकी डिग्री है उसको अप्रूव करती है, तो आप ऑनलाइन भी वो सबमिट कर सकती है, उसके साथ 50 यूरो फीस है, तो वो एक बार केवल अप्रूव कर देती है, वो फिर हर साल आपको काम आएगी। 10th रिक्वायरमेंट है द एप्लीकेंट इज़ नॉट सूटेबली क्वालिफाइड इन द पोस्ट बीइंग अप्लाइड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटिंग टू द जॉब आर रिक्वायर्ड। रेफरेंस लेटर मस्ट शो द स्टार्ट एंड एंड डेट्स डिटेल्स ऑफ द वर्क कैरियड आउट। द लेटर शुड कंटेन क्लियर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द रेफरी इंक्लूडिंग अ वैलिड ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अगर उसकी जो मान लो वो कंप्यूटर में जा रहा है, उसकी फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक या कुछ इलेक्ट्रिकल, तो उसको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा 3 साल का, जिसमें ऐसा मेंशन होगा कि वो इस टाइप की जॉब वो पहले कर चुका है, और स्टार्ट एंड डेट मेंशन होगी क्लियरली, और जो रेफरी मतलब आपके एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब मेंशन रहेगा। अब द एप्लीकेंट वुड बी द इंस्ट्रक्टेड डिपार्टमेंट टू प्रोसीड द माल्टा व्हेन द वर्क रेसिडेंट एप्लीकेशन अप्रूव एट द स्टेट द एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन। अब कुछ फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, फॉर्म ID-1A, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी लीड एग्रीमेंट लाइक रेंटल एग्रीमेंट, आप यू नीड टू सबमिट रेंटल एग्रीमेंट, लाइक आपको कोई फ्लैट या रूम आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा, आपका मकान मालिक आपका रेंटल एग्रीमेंट बनाएगा, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। चेस्ट एक्सरे, हेल्थ एक्सरे भी, तो जो हेल्थ एक्सरे है और भी जो चेस्ट है डिपेंड्स ऑन जॉब, लाइक यू इफ़ यू आर इन IT यू नीड ओनली चेस्ट एक्सरे, इफ़ यू आर इन अप्लाइंग फॉर शेप आई थिंक यू नीड हेपेटाइटिस बी एंड ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट ऑल्सो। सो ये कुछ टेस्ट हैं वहाँ, यहाँ आपके आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप अपना टेस्ट कराते हैं, वो आपको डॉक्टर अप्रूवल देता है, वो आप यहाँ इसमें सबमिट करते हैं, ये भी फॉर्मेलिटीज़ है। इस ये इतनी फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, ये आपको ये PDF पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन ईमेल अस ऑल्सो, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो दीज आर द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर अप्लाइंग वर्क वीज़ा फॉर माल्टा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज, सो यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन व्हाट यू वांट, एंड सून आई विल मेक सम अदर वीडियो रिलेटेड टू PR, लाइक आई रिसीव सो मैनी क्वेरीज हाउ टू गेट PR इन हाउ मैनी ईयर्स एंड एवरीथिंग, सो आई विल मेक अनदर वीडियो हाउ टू गेट PR एंड वट टाइम इट टेक्स एंड सम रिलेटेड थिंग्स। फॉर नाउ थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।